नमस्कार, ये सवाल है, देख लीजिए। धुरकी फुरकी धूर काठा बीघा को जानेंगे, चुरकी भी जानेंगे। चुरकी धुरकी फुरकी धूर काठा बीघा के बारे में पूछा गया है तो हम लोग जानते हैं। लिख लीजिए, एक बीघा बराबर 20 काठा और इसके बराबर स्टैंडर्ड में होता है, इसको बताया गया है 27,225 वर्ग फीट होता है। अब एक काठा का मान निकालने के लिए एक काठा बराबर 27,225 बटे 20 कर दीजिए, बराबर 1361.25 वर्ग फीट। और एक काठा बराबर होता है, इसके बराबर लिख लीजिए 20 धुर होता है, 20 धुर। और एक धुर का मान निकालने के लिए लिख लीजिए एक धुर बराबर 1361.25 बटे 20 बराबर 68.0625 वर्ग फीट होगा। इतना वर्ग फीट होता है। और अब हम जानेंगे इसको, चुरकी धुरकी फुरकी को जानेंगे। पहले धुरकी देख लीजिए, एक धुर बराबर 20 धुरकी होता है, 20 धुरकी। एक धुर बराबर 20 धुरकी, इसलिए एक धुरकी बराबर, एक धुर का मान 68.06 25 वर्ग फीट होता है। एक धुर का मान इतना होता है, तो इसको 20 से भाग कर दीजिए, बराबर 20 से भाग करने पर कैलकुलेट करके देख लीजिए, एक धुर की का मान 3.403125 वर्ग फीट होगा। एक धुरकी बराबर इतना वर्ग फीट होता है। और धुर के बाद धुरकी होता है, लिख लीजिएगा। इसके बाद फुरकी, इसके बराबर एक धुरकी बराबर 20 फुरकी होता है, 20 फुरकी होता है। एक धुरकी बराबर 20 फुरकी, एक धुर बराबर 20 धुरकी, ये सब। और एक फुरकी बराबर, एक फुरकी बराबर 3.403125 बटे में कर दीजिए 20, तो एक फुरकी का मान निकल आता है, तो बराबर 0.17017015625 वर्ग फीट होगा। और इसके बराबर 20 चुरकी होता है, 20 चुरकी। अब एक चुरकी का मान इसको 20 से भाग कर दीजिए, इस तरह से 0.17015625
625 बटे 20 बराबर चुरकी निकल आएगा। इसको भाग कर दीजिए, चुरकी निकल आएगा, चुरकी का मान। इस तरह से आसानी से जान सकते हैं, इजी तरीका से।